हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है हेलिकल स्प्रिंग। आज हम बात करेंगे कि हेलिकल जो हमारी स्प्रिंग होती है वह क्या होती है, और स्प्रिंग के टाइप के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहां हम बात करेंगे उसके डेरिवेशन के बारे में। जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर शेयर स्ट्रेस, डिफ्लेक्शन, एनर्जी स्टोर फॉर ए क्लोज हेलिकल स्प्रिंग विथ ए एक्सियल लोड। यानी हमारी एक हेलिकल स्प्रिंग गिवन है, उसमें हमें फाइंड करना है कि शेयर स्ट्रेस क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, और उसमें हेलिकल स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर होगी अगर हमारी स्प्रिंग क्या है, हेलिकल है विथ एक्सियल लोड के साथ। तो मैंने दोस्तों एक फिगर ड्रा किया है, जैसा कि यह हमारी क्या है, हेलिकल स्प्रिंग है। एक एंड मैंने इसको क्या किया, फिक्स किया है। जब इसमें हम लोड को अप्लाइड करेंगे तो बॉडी क्या होगी, स्ट्रेस फील करेगी, यानी इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। यानी लोड के कारण इस बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेस हमारा जनरेट होगा। कंफर्म है, लोड लगा रहे हैं, एक तरीके का फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो स्ट्रेच होगी तो शेयर स्ट्रेस भी फाइंड होगा हमारा, और इस बॉडी पे जो हमारी बॉडी है वो एक डिफ्लेक्शन को फाइंड करेगी एंगल के तरीके। जैसे अगर मैं मानूं ये मेरा थीटा है, ये थीटा एंगल से है, तो इसमें कुछ बॉडी पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी होगा। मैंने डिनोट कर दिया डिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो इस बॉडी में और इस हेलिकल स्प्रिंग में क्या होगा, एनर्जी भी स्टोर होगी, क्योंकि एनर्जी स्टोर है तभी तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेच कर रही है। तो वो सारी चीजें हम डिराइव करेंगे, कितना हमारा वैल्यू सबकी आती है। पहले मैं बात करता हूं फर्स्टली शेयर स्ट्रेस की, कि शेयर स्ट्रेस हमारा स्प्रिंग में कितना फाइंड होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि शेयर स्ट्रेस क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जैसा कि हमें पता है जो हमारी टॉर्जन इक्वेशन है, टॉर्जन इक्वेशन का भी वीडियो दोस्तों पढ़ा हुआ लिंक पे, आप जरूर देख लें। टॉर्जन इक्वेशन में मैंने एक रिलेशन बताया हुआ था, अगर इस बॉडी पे हमारा लोड लग रहा है तो जो हमारी थीटा है इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो मैं जो टॉर्जन इक्वेशन में हमारा जो रिलेशन फाइंड हुआ था वो टी इक्वल टू जे इक्वल जी थीटा अपान एल, ये हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस क्यू अपान आर, ये रिलेशन हमें फाइंड किया गया था। ये हमारी क्या है, टॉर्जन इक्वेशन है। इस रिलेशन से हमें फाइंड करना है क्या, शेयर स्ट्रेस को। ये हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस है। अगर ये कॉम्बिनेशन हम ले लें टी अपॉन जे, क्योंकि हम टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, शेयर स्ट्रेस हमारा जनरेट होगा। ये मैंने आर कंसिडर कर लिया। हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो शेयर स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू आर अपॉन जे। यह हमारा जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओके। अब और जो जे की वैल्यू होती है, जे की जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32। इस वैल्यू को हम क्या पुट कर देते हैं, यानी टी आर इक्वल टू क्या है, हमारा पूरा रेडियस है, तो आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया डी अपॉन 2। जे की वैल्यू पुट करेंगे पाई डी की पावर 4 इंटू 32। डी से एक डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर इसको करेंगे तो कितना आएगा, 16। यानी 16 टी अपॉन पाई डी की पावर क्यूब, ये हमारा फाइंड हो गया शेयर स्ट्रेस। यानी इस हेलिकल स्प्रिंग में जो हमारा शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा वह कितना होगा, 16 टी अपॉन यानी पाई डी की पावर क्यूब, ये हमारी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। जरूरी ये फॉर्मूले दोस्तों हमें याद रखने हैं, ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें तो ये इजिली हमें सॉल्व कर सकें, ओके। एक रिलेशन और, अगर हमारा टी है तो टी इक्वल टू में पता है डब्ल्यू इंटू आर होगा, डब्ल्यू इंटू आर होगा। अगर इस वैल्यू को हम पुट करें, अगर डब्ल्यू और आर के टर्म में हमारा आ रहा है, क्योंकि डब्ल्यू दिया हुआ है, वेट दिया होगा, आर रेडियस दिया होगा, तो 16 डब्ल्यू इंटू आर पाई डी क्यूब, ये हमारा हो गया शेयर स्ट्रेस इन हेलिकल स्प्रिंग। ये हमने बात कर लिया शेयर स्ट्रेस की। अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, कि हमारा डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड होगा। डिफ्लेक्शन दोस्तों क्या होता है, कोई भी हमारी स्प्रिंग है, फिर बीम है, हमारी वो बीम कितनी बेंट हो रही है उस इनिशियल पॉइंट से, जो भी हमारा ये पॉइंट हमारा बन रहा है इस डिस्टेंस से और डिस्टेंस से, कितना हमारा डिफ्लेक्शन है, ये हमारा डिफ्लेक्शन कहलाता है। तो हमारी जब स्ट्रेच हुई, लोड हमारा डब्ल्यू लगा, तो हमारी जो बॉडी है, जो स्प्रिंग है, वो क्या होगी, कुछ डिफ्लेक्ट होगी। तो जो डिफ्लेक्शन को मैंने मान लिया ये, कि हमारा ये डिफ्लेक्शन इतना प्रोड्यूस कर रहा है,
तो मैं यहां से रिलेशन फिर हम अगर टॉर्जन इक्वेशन की बात करें, टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा एल इक्वल टू टॉर्क अपॉन आर। हमें चाहिए क्या, यहां से चाहिए हमें डिफ्लेक्शन। अब देखो ये हमारा क्या है, टोटल आर है, ये हमारा क्या है डिफ्लेक्शन है। अगर हमें किसी आर्क के लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं ना डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू द थीटा। ये क्या हो गया हमारा डिफ्लेक्शन हो गया। हमें अगर आर की वैल्यू मिल जाए और थीटा की वैल्यू मिल जाए इससे, तो हमें पता हो जाएगा कि हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। हमने फाइंड किया यहां से, ये निकाला कितना हो जाएगा टी, और ये हो गया टी। दो इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, टी जी थीटा यानी एल हो जाएगा टी एल, ओके, क्योंकि थीटा और ये जी इंटू जे, ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू आर, जैसे मैंने बताया एल हमारा क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं एल की। अगर हम देखिए जो हमारी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कैसी है, स्प्रिंग हमारी कैसी है, हेलिकल स्प्रिंग होती है। जब हेलिकल स्प्रिंग होती है तो इसका कुछ डायमीटर होगा, यानी कहने का मतलब अगर मैं इसका फिगर ड्रा करूं, स्प्रिंग की लेंथ को फाइंड करूं इस तरीके से कुछ, और इसमें क्या टार्क प्रोड्यूस हो रहा था ना टार्क, ओके, ये मैंने टार्क को इंडिकेट कर दिया। अगर इस स्प्रिंग का जो डी है, ये हमारा डी होगा, कि इस स्प्रिंग का डायमीटर कितना होगा पूरा, वो मैंने डी से कंसिडर कर लिया, ओके। अब हम बात करें एल की, तो एल हमारा कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू हमारा जो पूरा रेडियस इस सर्कुलर के बराबर होगा, यानी कहने का मतलब 2 पाई आर, और 2 पाई आर की वैल्यू हमारी कितनी है यहां से, आर इंटू एन, एन क्या है नंबर ऑफ द हेलिकल जो हमारा होगा स्प्रिंग का। तो यहां से हमें आर की जो वैल्यू, एल की हम कितनी वैल्यू सकते हैं, 2 पाई आर इंटू एन, ओके। जी को एजिडिस हम रहने देंगे। हमारा जो जे इक्वल टू केस में बताया कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे। तो जब हम जे की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32 अपॉन पाई डी की पावर 4। इसको हल करेंगे 32 इंटू 4 64, एंड ये डब्ल्यू आर स्क्वायर एन, और ये हो जाएगा पाई डी की पावर 4। यानी हमें आर की वैल्यू यानी सब थीटा की वैल्यू यहां से मिल गई, और ये हमारा क्या है आर है। तो हम यहां से अब क्या लिख सकते हैं, R की वैल्यू क्या थी, R क्यूब हो जाएगी, यानी 64 W R क्यूब इंटू एन पाई डी की पावर 4। ये हमारा आ गया डिफ्लेक्शन, कि इस हेलिकल स्प्रिंग में कितना हमारा डिफ्लेक्शन होगा जब हमारा एक्जियल लोड W लग रहा है, ओके। हमें डिफ्लेक्शन भी फाइंड हो गया और शेयर स्ट्रेस भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इस स्प्रिंग में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, तो जैसा कि मैंने इसके पहले एक रिलेशन बताया हुआ था, जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी क्या, एनर्जी हमारी स्टोर होगी यू इक्वल टू कितनी होती है, वन अपॉन टू इंटू टी इंटू थीटा। सीधा फॉर्मूला हमें याद रखना है डेरिवेशन के लिए, तो वन अपॉन टू जैसे बताया टी डब्ल्यू इंटू आर इंटू थीटा, ये सारी वैल्यू हमें दोस्तों पता है, डब्ल्यू की भी आर की भी और थीटा की भी। क्या करें, रख देते हैं आर, ये कितना भी निकाला हमने 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन अपान जी डी की पावर 4। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक नया फॉर्मेशन करते हैं 1 अपान 2, इस तरह से लिख सकता हूं, और इसको मैंने लिख दिया 1 अपान 2 16 डब्ल्यू आर और ये जी डी क्यूब, एक ब्रैकेट मैंने इस तरह लिख दिया, और ये हमारा हो गया 8 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन इंटू डी, क्योंकि टोटल यही हमारा इक्वेशन फाइंड होगा। इस तरीके से लिखने का मेरा मोटिव क्या, देखो क्योंकि अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को दोस्तों मैंने और बढ़ाया, मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं 4g, और ये हमारा हो गया 16 डब्ल्यू आर एंड पाई डी क्यूब, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं 16 डब्ल्यू आर पाई डी क्यूब इंटू टू पाई आर एंड डी स्क्वायर पाई बाई फोर।
ये स्टेप दोस्तों आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इस टर्म को मैंने कन्वर्ट करने के लिए पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पाई ये है और पाई ये है, सिर्फ मैंने इसको फॉर्मेशन एक दिया हुआ है, तो वन अपॉन ये 4g हमारा हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी क्या है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, यानी शेयर स्ट्रेस स्क्वायर। और ये हमारा क्या बन गया, वैल्यूम ऑफ वायर, वैल्यूम ऑफ वायर। ओके, तुम कह सकते हैं ये हमारा क्या फाइंड हुआ है, यू इक्वल, यानी जो हमारी एनर्जी स्टोर होगी इन ए हेलिकल स्प्रिंग वह कितनी होगी, 1/4g यानी टाउ स्क्वायर 4g इनटू वैल्यूम ऑफ वायर। इस तरीके से हम डेरिवेट कर सकते हैं कि हमारी जो हमारी हेलिकल स्प्रिंग है उसमें हमारी हेलिकल स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी कितनी होगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।